बैड डेट में हम लोग लत लगा अच्छी तरह से समझ चुके थे, है ना, उस पर अनुवाद विभक्ति जो भी हम लोग सीख चुके थे। अभी हम लोग लंग लकार पे चलेंगे और लंग लकार का पहचान विभक्ति और उसका जो भी क्रियाकलाप हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। लंग लकार मतलब क्या होता है बाबू? भूतकाल। क्या होता है? अब वही वाला बात करेंगे फिर। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, शांतिपूर्वक देखिए, अच्छी तरह समझना हम लोग को, हरवा नहीं है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें विभक्ति होता है त, तम, अन, आह, तम, त, अम, आओ, आम, ठीक है। जहां जहां हलंत दिए हैं वो हलंत जरूर दीजिएगा, उसके बिना यह अधूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम ध्यान रहना चाहिए। अब ये लकार इसका है, अगर किसी धातु रूप को यहाँ पर सेट किया जाए, किसी धातु रूप को यहाँ पे सेट किया जाए तो फिर देखते हैं बनता कैसे है। जैसे अगर हमको गच्छ धातु का बनाना है, गच्छ धातु का बनाना है इस पे, तो हमको बनाना पड़ेगा कथी अगच्छ। इस लकार में वो सबसे मेन खासियत होता है, किसी भी धातु रूप को बनाते हैं तो उसके पहले क्या जोड़ देते हैं? अ। क्या जोड़ देते हैं? अ। लट लकार में ऐसा नहीं था, लट लकार में ऐसा नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गच धातु का हम लोग किस में बना रहे हैं? लंग लकार में, ठीक है। वैसा ही लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति सेट करना आपको सिखा रहा है, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब कैसे सेट करेंगे? गच्छ है तो इसका अगच्छ लिखना है, क्या लिखना है? अगच्छ। और क्या लिखना है? त। क्या हो गया? अगच्छत। शांतिपूर्वक सुनिएगा, क्या हो गया? अगच्छत। फिर हो गया अगच्छ, क्या हो गया? इसमें क्या सेट करेंगे? ताम, अगच्छ ताम। फिर देखिए अगच्छ, ध्यान दीजिएगा, लट लकार में भी आपको बताया था कि अगर विभक्ति में अ होगा तो उस अ को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे भी जो भी अ है सब को क्या कर लेंगे? हम हटा देंगे। अ को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ से अ हटा देंगे तो क्या बचेगा? न। तो क्या हुआ? अगच्छन। फिर यहाँ पे देखिए अगच्छ, अ हटा देंगे तो दो बिंदु बचा था अगच्छ। फिर क्या होगा? अगच्छ। क्या होगा? तम, अगच्छतम। फिर अगच्छ, क्या सेट करेंगे? त, अगच्छत। अ हटा देंगे में से तो अगच्छ पहले लिख देते हैं, अगच्छ म हो जाएगा अगच्छम। फिर अगच्छ अ हटा देंगे तो पाई बचेगा गो व, अगच्छाओ। अगच्छ अ हटा देंगे तो पाई है गो म, ठीक है। अब इसको कैसे शुरू करेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलिए हमें सब। तम, तम, अन, अह, तम, त, अम, आओ, अम। अब इसका पढ़ते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छह, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। कोई दिक्कत इसमें? नोट कीजिए, आगे फिर बताते हैं इसमें। अब हम लोग एक और धातु रूप इसी पे सेट करके देखते हैं, दो चार आपको हम बताया था ताकि आसानी से आप सॉल्व कर सके सबको। कौन सा धातु रूप ले? मान लीजिए हंस ले लीजिए, क्या ले लीजिए? हंस। हंस मीन्स क्या होता है बाबू? हंसना। अभी हंस को लिखने के लिए हमको किसका लिखना पड़ेगा? अ हंस का लिखना पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा? अ हंस का लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग विभक्ति सेट करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब अहस लगाएंगे इस समय, सेट करते जाएंगे तो हलंत हटा देंगे, ठीक है ना। अहस में क्या लगाएंगे? त, अहसत। फिर अहस में क्या लगा देंगे? ताम, अहसताम। अहस
अ हटाए क्या लगा देंगे न, अहसन अहस, में अ हटा देंगे तो दो विसर्ग अहस अहस, में क्या लाएंगे तम अहसतम अहस, में क्या लाएंगे त अहसत, ठीक है तनिक सा डाउट, लास्ट आए चलते हैं अहस में अ हटा देंगे तो क्या बचेगा म अहसम, हो गया ना अहस, हटा देंगे तो पाई क्या बचेगा व अहसाओ, फिर क्या होगा अहस, हटा देंगे तो पाई गो म अहसाम, कोई डाउट नोट कीजिए इसको जल्दी। देखिए अभी हम लोग विभक्ति दो तीन सेट किए हम लोग, अब लंग लकार का पहचान देखते हैं, लंग लकार का पहचान देखते हैं और देखते हैं किसमें ये सब लगेगा और अनुवाद इसका कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहचान देखते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ए ए ई ई ता था ती थी ते थे इत्यादि हो तो उसका अनुवाद लंग लकार में करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा अनुवाद बनाने के लिए, तो बेसिक तौर पे यह देखना है कि उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में मिलता क्या है, उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में मिलता क्या है, और क्रिया समझाएं भी थे कि आप जी किसी भी सेंटेंस का मूल शब्द जैसे वह गया, तो गया का मूल शब्द क्या है जाना, तो जिस शब्द का मूल रूप में ना आए अंतिम में तो वो क्या होता है क्रिया, जैसे उठना बैठना जाना आना खाना खरीदना पीना मरना जीना टोटले क्या है क्रिया है, और इसी क्रिया में धातु, इसी क्रिया का धातु रूप होता है संस्कृत में और इसी में विभक्ति सेट किया जाता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल हम एक आधे देते हैं, उसको कैसे बना वो हम बताते हैं। जैसे राम पढ़ता था, क्या है एग्जाम्पल संस्कृत में यथा मीन्स जैसे होता है, क्या होता है यथा मीन्स जैसे, राम पढ़ता था तो इसका संस्कृत होगा राम अपठत, क्या होगा राम अपठत। अब हम लोग लट लगा के पढ़े थे कि राम पठती, एक नाम है ती लगेगा लेकिन यहाँ पे कहती है राम पठ में त लग गया और अ भी लग गया, तो अ तो इसका बेसिक पहचान है कि जब भी किसी धातु रूप में सेट कर रहे हैं तो अ हमको उसमें लगाना ही लगाना है, लेकिन त का है लगा सेम वही मैटर है, लेकिन अभी सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये नोट कीजिए फिर उसमें सेट करके बताते हैं जल्दी। चल बाबू आगे देखते हैं इसका। अब स त ते त्वम इवामि वो भी सब बताए थे, सब्जेक्ट वाला जितना था कर्ता वाला, किसमें कौन लगेगा इसका कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं, तो ध्यान देना स में क्या लगेगा त, क्या लगेगा त, स त, तो में क्या लगेगा ते में अन, त्वम युवाम युयम अहम अवाम वायम, ठीक है। इतना चीज में ये सब विभक्ति लगेगा, ठीक है ना। इस सबका हिंदी तो बैक वीडियो बैक क्लास में बताते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं स मीन्स क्या होता है वाह, ट मीन्स क्या होता है वे दोनों, बाबू नाम बेसिक समझ लो, ते मतलब वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, ठीक है। तो मीन्स होता है बाबू तुम, युवा मतलब तुम दोनों, एकदम समझ लो ध्यान से तुम, और युवा मीन्स होता है तुम लोग, तुम लोग, अहम मीन्स होता है बाबू मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, हम वयम मीन्स हम लोग। अब हम लोग गारदा उड़ा देंगे अनुवाद बना करके, अब देखिए अनुवाद बनता कैसे। यथा मीन्स जैसे, पहचान अभी बताए हैं या ए ई ता था ती थी ते थे इत्यादि होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सेटिंग सब इस पे चलेगा, धातु रूप आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे सोहन किताब पढ़ता था, सोहन किताब पढ़ता था, सोहन का क्या होता है सोहना, किताब का संस्कृत
पुस्तकम पढ़ना का संस्कृत पाठ। बाबू रे ध्यान देना, ई लकार में अभी हम सेट करके बताएं कि धातु रूप के पहले अ लगाना है। क्या लगाना है? अ लगाना है। और एक नाम है, एक नाम के साथ वह चाहे एक नाम रहेगा तो उसका साथ कथी लगाएंगे? तो आ पाठ में क्या लगा देंगे? तो सोहना पुस्तकम आ पठत का मतलब हुआ सोहन पुस्तक पढ़ता है चाहे किताब पढ़ता है। कोई दिक्कत? राम के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए। अच्छा, अभी पहचान में हम ये बताए कि नहीं बताए? बताए। अब देखिए, राम के साथ तो रामेना क्या लिखेंगे? अगर आप रामस्या लिखिए तो भी चलेगा, गलती आपका नहीं होगा, लेकिन रामेना थोड़ा ज्यादा शुद्ध हो गया। साथ का संस्कृत क्या होता है? सह। लक्ष्मण नाम है तो क्या होगा? लक्ष्मणा। भी का संस्कृत बाबू आपी होता है। क्या होता है? जंगल का वह नाम। अब देखिए, गाय तो कोई वर्ड होता नहीं है। गाय का मूल शब्द क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। और जाना का संस्कृत गच्छ होता है। क्या होता है? गच्छ। अब यहां पे लिख देंगे गच्छ। लेकिन ई लकार में कहता है कथी कि जो भी धातु रूप है उससे पहले क्या सेट करो? अ। तो लगा दीजिए अ। क्या हो गया? अ गच्छ। अब राम के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए, रामेना सह लक्ष्मण अपि वनम। अब इनमें कथी लगाए? दू गो नाम है तो त लगाए कि ताम लगाए कि अन लगाए? सुनिएगा सुनिएगा, राम और श्याम रहता दोनों का एक साथ बोध रहता तब दोनों के सेंस में ताम लगाते, लेकिन राम के साथ किसी के साथ कोई गया, मेन आदमी में कौन है? राम। कौन है? राम। तो क्या लाएंगे एक आदमी के लिए? तो क्या हो गया? तो रामेन सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। राम के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए। कोई दिक्कत? अब आप लोगों का फरमाइश है, चार गो और अनुवाद बताइए इसमें से, है ना? देखिएगा, राम और श्याम घर गया, ठीक है? तो राम और श्याम दो नाम है, तो दो नाम के बनाने का तरीका हम बताए थे, राम च श्याम, और नहीं तो राम श्याम च बताए, नहीं बताए थे? तो राम श्याम च, राम श्याम च घर के लिए गृहम। अब गया का मूल शब्द जाना होता है, जाना का संस्कृत है गच्छ। और लंग लकार में हम लोग पढ़ रहे हैं तो लंग लकार का रूल है कि धातु रूप के पहले क्या यूज करना है? अ गच्छ। और दू गो नाम है तो दुई वचन के लिए वे लोग का सेंस, वे दोनों का सेंस लगता है, मतलब क्या लगेगा इसमें? ताम। जब भी दो नाम का सेंस आए तो क्या यूज करेंगे? ताम। तो रामा श्यामश्च गृहम अगस्ताम। कोई दिक्कत? अब आना वाला आपका फरमाइश देखिए, वह घर से यहां आया। वह घर से यहाँ आया। वह का क्या होगा? घर का गृह। क्या होगा? घर का गृह। अब घर से, अब से का शेष बताते वो सटने घटने वाला, तो घर को छोड़ कर आएगा, तो अलगाव का बोध होता क्या लाएंगे? आत। क्या लाएंगे? आत। तो हो जाएगा गृहात। क्या हो जाएगा? गृहात। इसको ठीक से कर लीजिए, गृहात। स्वगृहात मतलब वह घर से, यहाँ का अत्र, यहाँ का आना का होता है आगच। क्या होता है? लेकिन इलाकार में क्या लगाना है? कोई दिक्कत? और सह में क्या लगेगा? तो आगछत। कोई दिक्कत? यानी वह घर से यहाँ आया, स्वगृहात अत्र आगछत। तनिक सा डाउट नोट कीजिएगा।